नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। एक तरफ पुलिस और वकील की लड़ाई सड़क पर उतर आई है, वही खाकी और कोर्ट की लड़ाई को लेकर एक तरफ वकील अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ पुलिस अपनी यूनियन कमेटी बनाने को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे। वही तीसरी और एक खबर उभर के आई, पंचकूला की एक अदालत ने 2017 में यहाँ हिंसा के एक मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की दत्तक पुत्री हनप्रीत हिंसा को बुधवार को जमानत दे दी। पिछले शनिवार को यहाँ एक अन्य अदालत ने हिंसा के संबंध में उसके खिलाफ राजद्रोह के आरोप भी हटा दिए थे। गौरतलब है कि डेरा प्रमुख को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराने के बाद हुई हिंसा में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। बचाव पक्ष के वकील आरएस चौहान ने बताया कि 1,00,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है। उन्होंने बताया कि अंबाला जेल में बंद हनप्रीत को बुधवार शाम को रिहा किया गया। उन्होंने कहा, IPS की धारा 145 विधि विरुद्ध जन समूह में शामिल होना या बने रहना, 146 बलवा, 120 बी आपराधिक साजिश के लिए दंड के जमानती धाराएं होने के चलते मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट पंचकुला रोहित वत्स की अदालत ने उसे उसकी याचिका पर जमानत दे दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय संधीर द्वारा उसके खिलाफ राजद्रोह के आरोप हटाने के हनप्रीत ने जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद सत्र अदालत ने पंचकूला में CGM अदालत के पास मामले को वापस भेजा था, जहां बुधवार को उस समय सुनवाई हुई। पंचकूला पुलिस ने हिंसा मामले के संबंध में राजद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप पर हनप्रीत और अन्य डेरा समर्थकों पर मामला दर्ज किया था। वही हनप्रीत ने जेल से निकलते ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज न्याय को इंसाफ मिला है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरीके से सभी को इंसाफ मिलनी चाहिए। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।